गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए लेबोरेटरी पर मैं आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को एक नया टॉपिक जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। आप लोग देखते होंगे ये वर्ड लिखा हुआ हेमो प्लस ग्लोबिन, अगर इसको हम तोड़ के बात करें तो ये हेमो अलग है और ये ग्लोबिन को अलग कर देते हैं। अगर हेमोग्लोबिन को तोड़ के समझें तो हेमो मीन्स होता है आयरन और ग्लोबिन मीन्स होता है प्रोटीन। दोस्तों इसका अगर हम सिंपल सा डिफिनेशन देखें तो हेमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर ऑफ रेड ब्लड सेल। मीन्स हेमोग्लोबिन क्या है? आयरन, और आयरन कंटेनिंग उसमें आयरन होता है और कलरिंग है किसका? रेड ब्लड सेल का, उसी को कहते हैं हेमोग्लोबिन। तो उसका हम सिंपल इसका डिफिनेशन जानेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ एच बी, जिसको हम दूसरा नाम मतलब उसका शॉर्ट बोले तो एच बी बोलते हैं हेमोग्लोबिन को। तो आइए देखते हैं, पहला है एट बर्थ, बर्थ में कितना होता है 25 ग्राम पर डीएल, ये जी है ग्राम पर डीएल, और क्या है आफ्टर 3 महीना के बाद 20 ग्राम पर डीएल होता है, इसमें घट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा मदर, सब बच्चा तो मदर से ही पैदा होते हैं। तो देखिए सन मीन्स जो उसका मतलब मदर है उसका जो सन हुआ मीन्स उसका जो बेबी हुआ जो, तो इन्हीं का जो उम्र में होता है वो पलता है, तो इसमें जब बर्थ लेता है तो इन्हीं का खून होता है। ये तो कुछ एज भी है मीन्स अगर इनका अगर मिनिमम भी एज बोले तो 30-35 वगैरह ही होगा, तो उसमें जब बच्चा जन्म लेता है उसमें हेमोग्लोबिन इसीलिए बढ़ा मिलता है क्योंकि उसका मदर का ब्लड होता है, इसलिए यहाँ पे हेमोग्लोबिन बढ़ा मिलता है। जिस तरह एज बढ़ता है उसका उस तरह कुछ हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। 3 महीना के बाद 20 ग्राम पर डीएल है, उसके 1 साल जब हो जाएगा तो 17 ग्राम पर डीएल है, लेकिन जब हम लोग एडल्ट हो जाएंगे, एडल्ट मीन्स प्लस 18 हो जाएगा, तो मेल और फीमेल जब एडल्ट हो जाएंगे तो एडल्ट मेल में होगा 12.5-18 ग्राम पर डीएल और फीमेल में होगा 11.5-16 ग्राम पर डीएल। ये मेल का है, ये फीमेल का है, नॉर्मल वैल्यू मार्क 1 पॉइंट का डिफरेंट होता है इधर साइड। अब बताते हैं फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन, मीन्स हेमोग्लोबिन जो उसका काम क्या है, जैसे हम लोगों का काम क्या है, हम लोग काम को भी जो करना है, जैसे अगर बेंच है तो उसको उठा रखते हैं, जो भी काम करते हैं उसका भी उसी तरह हेमोग्लोबिन का कुछ काम होगा, तभी हम उसके बारे में जान रहे हैं। तो उसका काम है क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस ओ2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू सेल्स और सी2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू टू लंग्स। मीन्स इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को मतलब लंग्स से ऑक्सीजन को लाना और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक छोड़ना, इसका मीन्स कैरियर का काम करता है। ये कैरी करता है सिर्फ ओ2 को टिश्यू टू लंग्स और लंग्स टू टिश्यू, और इसका दो टाइप होता है, एक एच बी ए होता है, एक एच बी एफ होता है। इसका शॉर्ट इसका फुल फॉर्म होता है एडल्ट हेमोग्लोबिन, इसका एच बी ए, और एच बी एफ का फुल फॉर्म होता है फेटल हेमोग्लोबिन। फेटल हेमोग्लोबिन और ये पेप्टाइड चेन जो होता है उसके पास दो होता है, मीन्स हेमोग्लोबिन का जो पेप्टाइड चेन है दो चेन से मिलकर बनता है, पहला जो है अल्फा चेन और दूसरा है बीटा चेन। अल्फा चेन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 15126 होता है, 15866 होता है, और ये अल्फा चेन जो है 141 एमिनो एसिड से बन के मिला होता है और बीटा चेन जो है 146 एमिनो एसिड से बन के होता है। और अगर हम इसको जान गए तो इसका टेस्ट भी होता है, अगर इसका हम टेस्ट करें, हम लोग हेमोग्लोबिन के बारे में तो पढ़ लिए, अब आइए जानते हैं कि मतलब हेमोग्लोबिन को डायग्नोस मतलब कैसे पता करें कि मेरा बॉडी में कितना हेमोग्लोबिन है, कितना नहीं। नॉर्मल वैल्यू तो आपको तो बता दिए हैं, तो इसका जनरली 5 मेथड होता है, पहला सहेली मेथड, दूसरा साइनोमीट हेमोग्लोबिन साइनोमीट ग्लोबिन और ऑक्सी हेमोग्लोबिन और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मेथड और फिजिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी। सहेली मेथड का पॉजिटिव मेरा प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं लेबोरेटरी बॉय में, और ये जो है ना ये तो मेरा प्रोसीड्यूर पूरा बताया गया है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। और साइनोमीट ग्लोबिन जो है ये जनरली क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट होता है, मोस्ट एक्यूरेट मतलब
ये सब अच्छा उतना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जितना ये देगा। मैं जनरली ये भी किया जनरली ये रोमांस किया जाता है, लेकिन ज़्यादा जो अच्छा मतलब एक्यूरेट रिजल्ट देता है वो ये देता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में जानते ही होंगे कि मशीन के थ्रू से तुरंत रिजल्ट निकल जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।